हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी टेक्निकल हब पर। तो दोस्तों, इस समय आपका फिटर ट्रेड थ्योरी से मेजरमेंट टॉपिक चल रहा है। इससे पहले इसकी 4 क्लासेस हो चुकी हैं, आज आपकी 5वीं क्लास होने वाली है। पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था माइक्रोमीटर का, माइक्रोमीटर के परिचय के बारे में समझा था और उसके पार्ट्स के बारे में समझा था। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिए और चारों क्लासेस को भी देख लीजिए। एक और सूचना बता दें कि जो सेफ्टी की क्लासेस हुई थी, सेफ्टी प्रिकॉशन की, उसकी 4 क्लासेस हुई हैं और आप उन चारों क्लासेस को देख लीजिए और उसके बाद उसका टेस्ट भी दे दीजिए। टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दूंगा। तो टेस्ट आप दे सकते हैं, फ्री है बिल्कुल टेस्ट, कोई कास्ट उसका, कोई पेमेंट वगैरह कोई पैसा नहीं लगने वाला। तो जितना भी हम, और एक बात बता दें, जितना भी हम क्लास में पढ़ाते हैं, जो भी हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन फिगर वगैरह जितना भी चर्चा करते हैं, उन सब का PDF आपको प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप एबी टेक्निकल हब को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप एबी टेक्निकल हब को ज्वाइन कीजिए और जुड़े रहिए, वहाँ पे सारी PDF आपको मिल जाएगा। जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, जितनी भी होने वाली हैं, सब 1x1 मिलता रहता है। आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता क्या है। हम आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लाते हैं और इससे रिलेटेड चीज़ें, यानी क्वेश्चन और प्रश्न और उत्तर में जितने भी रिलेटेड चीज़ें होंगी ना, उनसे भी चर्चा करते हैं, है ना। पूरी चर्चा करके फिर क्वेश्चन को लास्ट तक ख़त्म कर देते हैं, यानी इससे ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अब हम पूरा चर्चा कर लेंगे, नामो निशान तक ख़त्म कर देंगे। इसी प्रकार हम पूरा ऐसी सीरीज चला रहे हैं। तो अभी हमारा मेजरमेंट चल रहा है, अभी धीरे धीरे करके डेढ़ महीने में लगभग सारा टॉपिक ख़त्म कर देंगे। तो आज आपका क्वेश्चन है कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है तो 0.001 इंच होता है, ठीक है। अब हम पहले लीस्ट काउंट निकालना समझेंगे, पहले लीस्ट काउंट की डिफिनीशन को समझेंगे। तो फ्रेंड, लीस्ट काउंट का मतलब समझिए, लीस्ट मतलब छोटा और काउंट मतलब गणना, यानी कि सबसे छोटा गणना, यानी कि जिस भी यंत्र का हम यूज कर रहे हैं उसे सबसे छोटी से छोटी ले सकने वाली माप हमारी क्या कहलाती है, लीस्ट काउंट या अल्पतमांक कहलाती है, ठीक है। तो पहले हम अल्पतमांक निकालना सीखेंगे माइक्रोमीटर का। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले मीट्रिक माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट को निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम ब्रिटिश माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट को निकालना सीखेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि कल स्पिंडल की चर्चा हुई थी। तो जो स्पिंडल होता है उसका एक फेस मेजरिंग होता है और एक फेस पे थ्रेड कटी होती है, थ्रेड बाह्य डायमीटर पर कटी होती है, ये क्वेश्चन आता है। कौन सी थ्रेड कटी होती है, सिंगल स्टार थ्रेड कटी होती है। हमारा स्पिंडल बना किसका होता है, क्रोमियम स्टील का बना होता है। इसके मेजरिंग फेसेस पे कार्बाइड की टिप भी लगा दी जाती है, ठीक है, तो चीज ध्यान रखिएगा। तो अब बात आती है कि जो सिंगल स्टार थ्रेड होती है उसमें होता क्या है। तो पिच आप समझते हो ना, ये दो चूड़ी है ना, तो इनके बीच की जो दूरी होगी ना वो पिच होती है, और पिच इक्वल टू लीड होता है, क्योंकि सिंगल स्टार थ्रेड में पिच बराबर लीड होता है। ट्रिपल स्टार थ्रेड में या फोर्थ मल्टी स्टार थ्रेड में जितने स्टार्ट आप लगाओगे उतने से मल्टीप्लाई करवा दोगे पिच को, तब बराबर लीड हमारा होगा। मान लीजिए 2 स्टार्ट की थ्रेड है तो 2 इंटू पिच इक्वल टू लीड होगा, अगर 3 स्टार्ट की थ्रेड है तो 3 इंटू पिच इक्वल टू लीड होगा। लीड की डिफिनेशन क्या होती है कि जो मैचिंग कंपोनेंट होते हैं ना, वो एक बार जब अपनी वृत्तीय दूरी तय करते हैं तो जो लॉन्गिट्यूडनल जो रेखीय मोशन होता है ना, जो रेखीय मोशन आगे या पीछे होता है उसी को हमारा लीड बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आपका थिम्बल आपने एक बार घुमाया, यानी 0 से स्टार्ट किया घुमाना और फिर लाके 0 पे रोक दिया, तो जो आपका स्लीव है ना वो जितना आगे या फिर जितना पीछे चलेगा, वो जितनी दूरी, उस दूरी को अगर हम मेजर करें तो हमारी लीड कहलाती है। और सिंगल स्टार थ्रेड है इसलिए पिच और लीड बराबर होगी। तो इतना चीज़ क्लियर करके रखिए जिससे आगे लीस्ट काउंट समझाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पहले हम समझेंगे मीट्रिक माइक्रोमीटर की अल्पतमांक को। तो एक बात बता दें कि जो स्पिंडल होती है ना मीट्रिक माइक्रोमीटर पे, उसके 1 सेंटीमीटर में 20 चूड़ी काटी जाती है। कितनी चूड़ी काटी जाती है, 1 सेंटीमीटर में 20 चूड़ी काटी जाती है। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 10 mm इक्वल टू 20 थ्रेड, 10 mm यानी 10 mm बराबर 20 चूड़ी, ठीक है, इतना रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें एक चूड़ी की एरिया को निकालना है, या फिर कह सकते हो पिच को निकालना है, तभी हम थिम्बल का मान निकाल सकते हैं, थिम्बल के एक भाग का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 20 चूड़ी था, तो एक चूड़ी का मान कैसे होगा, 20 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 10/20 हो जाएगा, तो 10 से 20 को काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, है ना। अभी हमारे पास कुछ कंपोनेंट नहीं है जिससे हम आपको यहाँ पे समझा नहीं सकते, इसलिए हमने पहले ही कॉपी पे बना के फिर PDF बना लिया। तो अब क्या हुआ कि 1/2 हो गया, यानी 1/2 mm हो गया। तो एक चूड़ी का मान कितना आया, 1/2 mm।
मतलब जो एक चूड़ी होगी उसका जो एरिया होगा वो 0.5 मिलीमीटर होगा। कितना होगा? 0.5 मिलीमीटर, और इसी को सब डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब डिवीजन। अब हमें बताइए कि 0.5 mm कितना होता है, 0.5 mm कितना होता है, कितनी छोटी सी मोटाई है। तो क्या बताइए आप किस मेटल का उस थ्रेड को बनाओगे, किस धातु की उस थ्रेड को बनाओगे? भाई तुम्हें ऐसी धातु चाहिए जिसमें थोड़ा सा भी प्रेशर लगाने से टूटे ना वो। तो हमारा ऐसा मेटल सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम स्टील ही है। आप टंगस्टन का भी बना सकते हो, लेकिन उसमें क्या है कि उसकी मशीनी नहीं कर सकते, इसलिए बनाओगे नहीं, ठीक है। डायमंड भी अच्छा है, लेकिन डायमंड कौन बनाएगा, रिंग कौन, डायमंड कौन लगाएगा भाई, वो तो माइक्रोमीटर चोरी हो जाएगा। तो समझ रहे हो ना, इसीलिए स्पिंडल जो होता है हमारा क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है, इसीलिए हमारा स्पिंडल क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ और, इसमें जो एक ये जो है ना स्लीव पे ग्रेजुएशन बने होते हैं, तो स्लीव में एक डेटम लाइन होती है, तो डेटम लाइन के ऊपर वाले जो ग्रेजुएशन होते हैं, जो मार्किंग होती है, वो हमारी मेन डिवीजन होती है, और जो नीचे वाले होते हैं वो सब डिवीजन होते हैं। तो आपको सब डिवीजन का मान पता चल गया ना, एक सब डिवीजन इक्वल टू होता कितना है, 0.5 mm या 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा एक चूड़ी की एरिया दर्शाता है, या फिर पिच कह सकते हो, या फिर लीड भी कह सकते हो। मतलब एक बार जो हम थिम्बल को घुमाएंगे, जब भी हम एक बार थिम्बल को 0 से लेकर और फिर 0 पे लाएंगे, तो जो हमारा स्लीव होगा वो आगे कितना बढ़ेगा, 0.5 mm, या फिर पीछे कितना जाएगा, 0.5 mm। तो अब हमें क्या करना है, अब हम थिम्बल का मान निकालेंगे, ठीक है। तो अब थिम्बल का मान निकालते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि थिम्बल का एक चक्कर बराबर एक थ्रेड, यानी एक दांत। तो एक दांत की भाई एरिया कितना है, 1/2 mm है कि नहीं। और हमारे थिम्बल पे कितने भाग होते हैं, देखिए ब्रिटिश में 25 भाग रखे जाते हैं और मीटरिंग में 50 भाग रखे जाते हैं। तो थिम्बल एक चक्कर में कितना भाग चलेगा, एक चक्कर में उस पर कितने भाग बने होते हैं, तो 50 भाग बने होते हैं ना। तो 50 भाग बराबर हम 1/2 mm रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें एक भाग का मान निकालना है, क्योंकि जो लीस्ट काउंट की डिफिनीशन होती है वो यह भी होती है कि थिम्बल के एक भाग जो होता है ना, उसका मान लीस्ट काउंट को दर्शाता है। तो अब हम थिम्बल के एक भाग का मान निकालेंगे, तो एक भाग बराबर क्या हो जाएगा, इधर 50 होगा, 1/50 × 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक भाग बराबर 1/100 mm। तो अब हम जब मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, जब भाग वगैरह करेंगे, तो 0.01 mm आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारे मीट्रिक माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट होती है, ठीक है। और इसको हम सेंटीमीटर में भी दर्शा सकते हैं। सेंटीमीटर में कैसे दर्शाएंगे, आपको पता है कि एक भाग बराबर 1/100 mm होता ही है। अब चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, तो हम यहाँ पे 1 mm बराबर मान निकालेंगे, तो क्या होगा, 10 इधर 50 हो जाएगा, तो 1/10 cm हो जाएगा, ठीक है। तो एक भाग बराबर 1/100 × 10 रख सकते हैं ना, क्योंकि हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो 1 मिलीमीटर यानी 1 मिलीमीटर को यहाँ से हटाएंगे, तो क्या 1/10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, तो वही हुआ। तो 1/10 से जब हमने मल्टीप्लाई करवा दिया तो कितना हो गया, 1/1000। तो जब हम 1000 से 1 को भाग करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 0.001 सेंटीमीटर। तो एक भाग का मान कितना होता है, 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा थिम्बल डिवीजन होता है, क्या होता है, एक थिम्बल डिवीजन का मान होता है, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आया, थिम्बल डिवीजन का मान निकल के आया। आपको बताया था ना कि इस पे जो सब डिवीजन है ना, उसका मान एक थ्रेड के एरिया के बराबर है, और जो इसका एक भाग का मान है ना, किसका, स्लीव का जो सब डिवीजन है उसका एक भाग का मान बराबर आपके 50 थिम्बल डिवीजन के मान के बराबर है। तो आपका सब डिवीजन भी निकल के आ गया और थिम्बल डिवीजन भी निकल के आ गया, और आपने लीस्ट काउंट को निकालना भी सीख लिया। नहीं समझ में आता तो वीडियो को स्किप कीजिए और देख लीजिए। अब हम ब्रिटिश माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट को निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो वह सेम प्रोसेस है, इसमें भी क्या होता है कि स्पिंडल ब्रिटिश कहीं के इंग्लिश भी लिखा रहता है, तो कन्फ्यूजन मत रहिएगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि स्पिंडल पर एक इंच में, अभी वहाँ पे हमने एक सेंटीमीटर में कितनी चूड़ी काटी थी, 20। तो अभी हम स्पिंडल पर एक इंच में कितनी चूड़ी काटेंगे, 40 चूड़ी काटते हैं। कितनी चूड़ी, 40 चूड़ी काटते हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो एक इंच बराबर 40 चूड़ी। फिर हमें क्या करना है, एक चूड़ी का मान निकालना है। तो एक चूड़ी का जब मान निकालोगे तो 1/40 इंच हो जाएगा क्या, क्या 1/40 इंच हो जाएगा, ठीक है, हो गया, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, 1/40 इंच क्या है, एक सब डिवीजन का मान है, ठीक है। क्या, किसका मान है, एक सब डिवीजन का मान है। तो 1/40 का जब भाग वगैरह करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.025 या 0.025 इंच। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा
कि जो हमारा ब्रिटिश मैम जब पढ़ते हैं तो जीरो नहीं लगाती है, जीरो जैसे पढ़ लेते हो ना 0.12 mm, ऐसे हम इंचेस को नहीं पढ़ते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा मैथमेटिक्स लॉजिक है। तो जब हम भी ब्रिटिश को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 0.025 inch या 0.025 inch। तो एक चूड़ी का क्या है, ये एरिया है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस इस पे भी, तो थिम्बल का एक चक्कर बराबर एक थ्रेड, जब हम थिम्बल को एक बार घुमाएंगे तो जो हमारी स्लीव जो हमारे स्पिंडल होगा वो एक एक थ्रेड आगे बढ़ेगा। तो चूंकि एक थ्रेड का मान हमारा कितना है 1/40 inch है ना, और चूंकि हमारे थिम्बल पे कितने भाग किए गए हैं 25 भाग, तो हम एक भाग का मान निकालेंगे, तो एक भाग बराबर आपका कितना हो जाएगा 1/40 × 25, तो मतलब 1/1000। तो आप भाग करोगे तो आपके एक थिम्बल डिवीजन का मान निकल के आ जाएगा 0.001 inches, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ क्या, इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं क्लियर होता तो स्किप कीजिए वीडियो को और समझ लीजिए अच्छे से। तो हमने मीट्रिक में और ब्रिटिश में समझ लिया क्या, लिस्ट काउंट निकालना समझ लिया। अब हम समझते हैं इसके ग्रेजुएशन को, ठीक है। तो जो ग्रेजुएशन होते हैं वो हमारे दो में बने होते हैं, आपको पता है, एक मीट्रिक में एक ब्रिटिश में। आपको एक बात और बता दें कि जो आपका वर्नियर कैलिपर होता है उस पे मीट्रिक और ब्रिटिश दोनों निशान बने होते हैं, लेकिन माइक्रोमीटर में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें या तो मीट्रिक ही रहेंगे या तो ब्रिटिश ही रहेंगे, ठीक है। तो अभी मीट्रिक में हमें जो रीडिंग लेना है उसमें हमें कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक मेन डिवीजन, एक सब डिवीजन और एक थिम्बल डिवीजन। ब्रिटिश में भी मेन डिवीजन, सब डिवीजन और थिम्बल डिवीजन। तो अभी हमें सब डिवीजन का मान निकल के आ गया था ब्रिटिश में भी और मीट्रिक में भी, ब्रिटिश में भी आ गया था और मीट्रिक में भी आ गया था। थिम्बल डिवीजन का मान मैंने निकाल लिया जो कि लीस्ट काउंट था। अब हमें मेन डिवीजन का मान निकालना था। मेन डिवीजन कैसे होता है, तो जो मेन डिवीजन होता है ब्रिटिश मीट्रिक में उसमें 1 cm में 10 भाग में डिवाइड किया जाता है, और जो ब्रिटिश में होता है उसमें 1/1 समझा देते हैं। जो हमारा मीट्रिक होता है उसमें मेन डिवीजन को 10 भाग में डिवाइड करते हैं, मतलब 1 cm को 10 भागों में, 1 cm बराबर 10 mm। तो 10 mm को जब आप 10 बराबर भागों में बांटोगे तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा 1 mm, ठीक है। और जब 1 mm को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी एक mm को हम दो सब डिवीजन निकालते हैं। एक मेन डिवीजन में कितने सब डिवीजन होते हैं, 2 सब डिवीजन होते हैं। तो इस प्रकार हमारे 1 cm में कितने सब डिवीजन हो गए, 20 सब डिवीजन हो गए। और चूंकि एक सब डिवीजन बराबर एक चूड़ी का थ्रेड, एक चूड़ी थ्रेड है ना, एक चूड़ी, तो 20 सब डिवीजन बराबर 20 चूड़ी हो गया ना, तो 1 cm बराबर 20 चूड़ी निकल के आ गया। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे एक मेन डिवीजन बराबर 2 सब डिवीजन। सेम ऐसे इधर है, हमने 40 चूड़ी काटा था ना, तो अभी एक मेन डिवीजन में हमने कितने भाग किया 10, यानी 1 inch को 10 बराबर भागों में बांट दिया ना। अब क्या किया, जो 10 बराबर भाग था ना उसमें एक भाग का मान कितना था 0.1 inch। अब हमने 0.1 inch को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, तभी तो 10 × 40 हमारा हो पाएगा ना। तो फिर 4 भागों में डिवाइड करने के बाद जो हमारा सब डिवीजन का मान निकल के आता है वो हमारा निकल के आता है 0.025 inches। और अगर हम इसी को 4 बार जोड़ दें तो हमारा एक सब डिवीजन का मान निकल के आ जाता है जो कि ये है 0.1 inch, है ना। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो अब हम रीडिंग लेना सीखेंगे, रीडिंग कैसे लेते हैं, ठीक है। तो पहले आपको एक फार्मूला बता दें, ये आपका फार्मूला है माइक्रोमीटर रीडिंग फार्मूला। इसके लिए होता क्या है, मेन डिवीजन प्लस सब डिवीजन प्लस थिम्बल डिवीजन। अब थिम्बल डिवीजन मान लीजिए 50 है 49 है, तो मैंने आपको बताया था ना कि एक भाग का मान होता कितना है 0.0 के आसपास में होता है। तो अगर हम लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करा देंगे डायरेक्ट तो थिम्बल डिवीजन का मान निकल के आ जाएगा, या आप आराम से निकाल के लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है मेन डिवीजन प्लस सब डिवीजन प्लस थिम्बल डिवीजन इंटू लिस्ट काउंट प्लस ब्रेकेट, ब्रेकेट में प्लस माइनस इरर। अब हम इरर की बात करते हैं, सबसे पहले हम इरर की बात करेंगे, ठीक है। तो जो आपका इरर होता है वो होता क्या है, तो आपके माइक्रोमीटर में एक जीरो एरर होता है, ठीक है। अब जीरो एरर होगा क्या, ठीक है, समझाते हैं फिगर के साथ। जब आपका ये जो स्पिंडल है ना और जो इनबिल है, इनके जो मेजरिंग फेस है ना, इन दोनों को टच कर दो, टच कर दिया। इसके बाद जो डेटम लाइन है ना, ये डेटम लाइन, तो जब आप टच करवाओगे तो जो ये थिम्बल है ना इसका जीरो और जो डेटम लाइन है ना इसका, ये डेटम लाइन और इसका जीरो मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा, अगर जीरो वाली जो लाइन है ना, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये वाली, अगर ये दोनों सेम ऐसे नहीं मिल रहा है जीरो वाली लाइन डेटम लाइन के साथ, तो उसमें क्या है, जीरो एरर है। अब हमारा जो जीरो एरर होता है वो दो प्रकार से होता है, क्या क्या होता है, एक हमारा पॉजिटिव एरर होता है और एक हमारा निगेटिव एरर होता है, ठीक है। तो कितने प्रकार का होता है, निगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर। तो पहले हम पॉजिटिव एरर की बात करेंगे। तो पॉजिटिव एरर कब होगा, जब ये डेटम लाइन से जो जीरो वाली लाइन है
वो अगर नीचे हो, मतलब इस साइड हो, कहीं ये इधर हो कहीं जीरो, यहाँ पे कहीं जीरो लिखा हो या फिर यहाँ पे कहीं जीरो हो, तो हमारा कौन सा एरर आ जाएगा? पॉजिटिव एरर। और अगर यही जीरो हमारा जाके यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे होता है जीरो हमारा और डेटम लाइन यहाँ है, तो हमारा कौन सा एरर हो जाएगा? निगेटिव एरर। अब हम दोनों में करते क्या है, जस्ट अपोजिट कर देते हैं। जस्ट अपोजिट कैसे करेंगे? अगर हमारा पॉजिटिव एरर है तो हम जो हमारा एक्चुअल मान है, जो हमारा प्राप्त मान है, उसमें हम घटा देंगे, और अगर हमारा निगेटिव एरर है तो जो प्राप्त मान है उसमें हम जोड़ देंगे। देख लीजिए इस पे डिफिनेशन में लिखा है कि स्पिंडल एंड एनविल के फेस जब मिले हों बट स्लीव की डेटम लाइन थिम्बल के जीरो के साथ ना मिले, तो हमारा कौन सा एरर हो जाएगा? जीरो एरर। अगले जब हमारा माइक्रोमीटर खत्म हो जाएगा सारे पार्ट्स वगैरह सारे टाइप्स के बारे में, तो एरर बहुत प्रकार से होते हैं, तो उन सब एरर के बारे में बजाने अभी हमारा रीडिंग में इंपॉर्टेंट था। तो अब पॉजिटिव एरर की बात कर लेते हैं। जीरो यानी डेटम लाइन से नीचे हो, जो हमारा जीरो डेटम लाइन से नीचे हो, ये निगेटिव में क्या होगा? जब जीरो डेटम लाइन से ऊपर हो, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। निगेटिव का मतलब ऊपर और पॉजिटिव का मतलब नीचे। अगर पॉजिटिव है तो एक्चुअल मान में क्या करना है? घटाना है। और अगर निगेटिव है तो आपको जस्ट उल्टा कर देना, जोड़ना है। तो इतना चीज ध्यान रखिएगा। जैसे क्वेश्चन के डिस्कस कर लेते हैं एक एक के बारे में, देख लीजिए। एक माइक्रोमीटर, उसमें धनात्मक त्रुटि है +0.02 mm, ठीक है, ये इसकी त्रुटि है। अब हमें जॉब का जो प्राप्त माप है वो हमारा है 12.15 mm। अब हमें क्या करना है? हमारा भाई कौन सा एरर है? पॉजिटिव एरर है, तो करना क्या है? निगेटिव करना है। तो हमें एक्चुअल माप प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? 12.15 mm से हमें इतना माइनस कर देना होगा। तो हमने माइनस कर दिया और हमारा आंसर आ चुका है। तो ये चीज़ क्या क्लियर हुआ ना? तो अब हम बात करेंगे रीडिंग लेना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये देख लीजिए, इसमें ये तो फिगर में लगाना ही भूल गया था, देख लीजिए ये आपका क्या है। देख लीजिए इसमें भाग का मान दिखा रहा है, इसमें देख लीजिए इसके 0 से 1, ये आपका मैट्रिक्स है। तो 0 से 1 के बीच कितने लाइनें हैं? 1, 2, 3 और 4, कितने लाइनें? 4। और इन चारों पार्टों में एक पार्ट का मान कितना है? पॉइंट, देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, जीरो नहीं लिखा हुआ है, तो 0.025 mm, ओ इंचेस, ठीक है। और इसमें एक का मान कितना है? देख लीजिए 0.1 inch, ठीक है। और इसके में एक का मान कितना है? 0.001 inch। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऐसे मीट्रिक में देख लीजिए, मीट्रिक में देख लीजिए कितना बड़ा डिफरेंस होता है जीरो लगाना। मीट्रिक में देख लीजिए जीरो लगा रहा है, लेकिन ब्रिटिश में जीरो नहीं लगा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा मैथमेटिकल वो है, थ्योरम है, तो इसको ध्यान रखिएगा, किसी भी मैथमेटिशियन से पूछ लीजिएगा। तो देख लीजिए जो ऊपर वाले हैं ना, वो mm में मार्क्स दिए हुए हैं, तो उनका मान कितना है? नीचे वालों का मान 0.5 है, ठीक है, यानी एक भाग का मान 0.5 है। ऊपर वाले का कितना है? 1 mm है, कितना है? 1 mm है। mm मार्क्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? mm मार्क्स लिखा हुआ है। लेकिन थिम्बल वाले में कितना है? 0.01 mm मार्क्स ऑन थिम्बल, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अब हम रीडिंग लेना समझेंगे, ठीक। तो जो मैंने फार्मूला बताया था उसके हिसाब से भी आप ले सकते हो, ठीक है, और इस हिसाब से भी ले, बहुत सारे एग्जामों में रीडिंग लेना भी बोलता है और निगेटिव एरर वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अभी आपके सामने एक माइक्रोमीटर है और ये मीट्रिक वाला है, तो इसका हमें क्या करना है? निकालना है, ठीक है। तो अभी देख लीजिए, अभी हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें मेन डिवीजन काउंट करना है। तो मेन डिवीजन कितने हैं? 0, 1, यहाँ से देख लीजिए, 0 को छोड़ के 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पे 5 आता है ना, ठीक है। तो ये हमारा मेन डिवीजन का मान कितना हो गया? 5.0 mm, ठीक है। अब हमें 5 के बाद हमें सब डिवीजन को गिनना है। तो सब डिवीजन कितना है? एक ही दिखाई दे रहा है ना, क्या एक ही दिखाई दे रहा है ना, एक ही दिखाई दे रहा है ना। तो हमें सब डिवीजन का मान हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा 0.5 mm, क्योंकि मैंने बताया था सब डिवीजन का मान होता कितना है, ठीक है। अब हमें थिम्बल पे गिनना है। थिम्बल पे कैसे गिनोगे? 35 है ना, 36 और 37, तो कौन सी लाइन हमारी डेटम लाइन से मिल रही है? 37 वाली मिल रही है ना। तो अभी क्या 37 ऐसे ही लिख दोगे? नहीं, यहाँ पे 37 नहीं लिखोगे, या तो 37 से पहले पॉइंट लगा दो, या फिर 37 को मल्टीप्लाई करा दो किससे? 0.01 mm। तो 0.01 mm से जब आप 37 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो इतना आ जाएगा। अब हम इन तीनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि उसमें बताया गया था ना आपके किसमें आपकी हाँ आपके फार्मूले में बताया गया था ना, इन तीनों को जोड़ना है, मेन डिवीजन, सब डिवीजन और थिम्बल डिवीजन। तो इस प्रकार आपका निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आपका आ गया है, एक्चुअल रीडिंग लेना आ गया, तो समझ में आ जाता है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमें समझ में आ गया है, नहीं समझ में आता तो भी कमेंट कीजिएगा, हमें समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो अब हम ब्रिटिश वाले को मापना सीखेंगे। तो ये रहा आपका ब्रिटिश, ये रहा आपका ब्रिटिश। तो पहले ये बताओ हमें पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले मेन डिवीजन काउंट करना है, तो कितना है हमारा? 3 है, कितना है? 3।
तो क्या 3 लिख दोगे? नहीं, हमारे एक मेन डिवीजन का मान कितना है? 0.1 इंच। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस बुक में ऐसे लिख दिया गया है, तो ये सही नहीं है, ये आईटीए वाली बुक है, तो ये 0 पे ध्यान मत दीजिएगा, है ना। जो मैंने बोला वही ध्यान रखिए, जगह 0 नहीं लगाना है, पॉइंट ही लिखना है। 3 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो कितना हो जाएगा? 0.3 इंच। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सब डिवीजन को काउंट करना है। तो 3 के बाद कितना सब डिवीजन हुआ है? तो एक ही लाइन गई है ना, तो एक लाइन का, सॉरी यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, मुझे दिख नहीं रही है, तो एक लाइन आपके यहाँ पे दिख रही होगी, यानी 3 के बाद 2 लाइनें हैं, एक ये एक ये। आप खाना से भी गिन सकते हो, 3 के बाद एक ये खाना है और एक ये खाना है, तो एक खाने का मान कितना था? 0.025 इंच। तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दो तो हमारा सब डिवीजन का मान भी निकल के आ चुका है। अब हमें थिम्बल डिवीजन पे काउंट करना है, तो थिम्बल डिवीजन हमारा कहाँ पे मिल रहा है? गिन लीजिए, 5 है ना, इधर 10 है, तो बीच में 10 से पहले कौन सी है? 9 वाली मिल रही है ना, हमारी डेटम लाइन से 9 वाली मिल रही ना, तो अब हम 9 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। किससे करवाएंगे? जो हमारा एक थिम्बल डिवीजन का मान होगा, यानी लीस्ट काउंट से। तो लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारा ये मार्क्स निकल के आ जाता है। और उसके बाद आप तीनों को ऐड कर लीजिए, अगर नेगेटिव रह रहे तो आप जोड़ दीजिए, अगर पॉजिटिव रह रहे तो घटा दीजिए, तो ये आपका मान हो जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, और ये भी आप PDF भेज दूंगा, टेलीग्राम पर देख लीजिएगा। तो अब चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे, काफ़ी टाइम हो गया। तो आपका पहला क्वेश्चन था कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है, तो बताया ना 0.001 इंच। कहीं गलती हो गई होगी तो कमेंट कीजिएगा, उसको सुधार करेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि अभी मेजरमेंट आपका चल रहा है, तो अगले पार्ट में भी समझा सकते हैं। मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है? 0.01 mm। ठीक है, तो मीट्रिक माइक्रोमीटर में जब धनात्मक त्रुटि हो तो क्या होगा? तो थिम्बल की जो 0 लाइन होगा वो कहाँ होगा? स्लीव की डेटम लाइन से नीचे होगा, स्लीव की डेटम लाइन से नीचे होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, मीट्रिक माइक्रोमीटर में जब हम ऋणात्मक त्रुटि होगी तो क्या होगा? जो थिम्बल लाइन की, जो थिम्बल की 0 लाइन है ना, जो थिम्बल की 0 लाइन है ना, वो स्लीव की डेटम लाइन के ऊपर होगी, तो इतना चीज ध्यान रखिएगा। ओके, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में पॉजिटिव एरर है, सही रीडिंग के लिए क्या करेंगे? पॉजिटिव एरर को घटा देंगे, अगर निगेटिव है तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। किस में? वास्तविक रीडिंग में, यानी सही माप में। ओके, एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि 50 से 100 mm वाले रेंज वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की 0 रीडिंग क्या होगी? तो इसकी देख लीजिए, इसकी जो लंबाई यानी जो मापना स्टार्ट करेगा वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? 50 से पहले तो मापेगा नहीं, चूंकि इसकी रेंज क्या है? 50 से 75 के बीच है, यानी 50 के आगे नापने स्टार्ट करेगा, तो इसकी 0 रीडिंग कहाँ पे जाएगी? यानी हमारे 50 mm पे ही जाएगी। माइक्रोमीटर का वृत्तीय पैमाना अंकित रहता है, तो कहाँ रहता है वृत्तीय पैमाना अंकित? तो ये वृत्तीय पैमाना कहाँ रहता है? समझ गए होंगे ना, तो थिम्बल पे रहता है। ठीक है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पिंडल पर थ्रेड की पिच कितनी होती है? 0.5 mm। ठीक है, माइक्रोमीटर द्वारा जॉब को नहीं मापना चाहिए, कब नहीं मापना चाहिए? जब हमारा घूमती अवस्था में जॉब वगैरह हो, ये इसकी सावधानी से, तो चीज ध्यान रखिएगा। तो अब आपकी क्लास समाप्त हो चुकी है लगभग, आपको लिस्ट काउंट समझा दिया मैंने, और 0 एरर समझा दिया, एरर भी बता दिया, रीडिंग लेना भी सिखा दिया, लगभग समझ में आ गया होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, अच्छी लगी तो अच्छी कमेंट लिखकर कमेंट कीजिए, अगर बुरी लगी तो बुरी लिखकर कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आपको हेल्प मिलता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, PDF को प्राप्त करने के लिए जल्दी से जल्दी, कहीं आपसे सीरीज छूट ना जाए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।